कोई समाधान भी निकलेगा अनिल गणवत, या ये ऐसे ही चक्कर चलता रहेगा, ये रेला चलता रहेगा? नहीं, समाधान तो निकलना चाहिए, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये भारत और इंडिया की बॉर्डर बनाई गई है, इससे जिस तरह से सरकार किसानों के साथ पेश आ रही है, भारत और इंडिया का सीधे सीधे आपको टकराव दिखाई दे रहा है। इससे बाहर निकलना है तो जो आंदोलनकारी संगठन है, इनकी मांगे तो जायज है कुछ हद तक, लेकिन इन्होंने एक और मांग इसमें जोड़नी चाहिए थी कि हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती है वो हटाए और उसके बाद हमें एमएसपी दी जाए। क्योंकि नहीं, पाबंदियों की बात में थोड़ा सा, एक मिनट अनिल गणवत, तो ये किसान अनिल गणवत, आपने पाबंदियों की जो बात की, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्या आपका इशारा इस ओर है कि पिछले साल गेहूं को लेकर एक्सपोर्ट्स पर सरकार ने बैन लगा दिया, किसान जहां 585 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा पैसे कमा सकता था, 45,000 करोड़ का किसान को नुकसान हो गया, उस ओर इशारा कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये नहीं होती पाबंदी तो जितना ये मांग रहे उससे ज्यादा पैसा डायरेक्ट किसानों की जेब में आ जाता मार्केट से। वही बात चावल की, वही बात चीनी की, वही बात प्याज की, वही बात पल्सेस और ऑयल सीड्स की है। एक बार ये पाबंदियां हटने के बाद आप एमएसपी मांगो तो एमएसपी दी भी जा सकती है, क्योंकि बहुत कम बार एमएसपी देने की नौबत सरकार पे आएगी। और हमारे मित्र अभिमन्यु जो कह रहे हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए कि इससे कम एमएसपी के कम दाम में अगर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो ऐसा कानून ऑलरेडी एपीएमसी एक्ट 1963 में है। इसमें एक और भ्रांति भी फैलाई जा रही है क्या? जो अनिल घनवत साहब, जो ये 17 लाख करोड़ की एक आंकड़ा ये गुलाबी अखबार वाले छापते हैं तथा कथित जो अर्थशास्त्री हैं, अरे भाई ये किस कायदे किस कानून में लिखा है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया तो एक एक दाना खरीदने की जिम्मेदारी भी सरकार की हो जाएगी? कॉरपोरेट घराने नहीं खरीदेंगे क्या? आरती नहीं खरीदेंगे क्या? और बाकी अपने काम के लिए नहीं खरीदेंगे क्या? वो सारा आकलन इस बात पर लगा दिया गया है कि एक एक दाना सरकार को ही खरीदना होगा। क्यों खरीदना होगा? नहीं, इसमें सच्चाई तो यह है कि सरकार तो पूरा नहीं खरीद सकती, लेकिन जब दाम एमएसपी के नीचे गिरते हैं और सामने खरीदने वाला कोई नहीं है तो व्यापारी नहीं खरीदता। आज महाराष्ट्र में कपास के बारे में ये हुआ है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जिससे कम खरीदेगा उसको जेल में डालेंगे, कपास की खरीद करनी बंद हो गई। सीसीआई ने खरीद कर रहा है, सोयाबीन के दाम एमएसपी के नीचे चल रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर व्यापारी भी नहीं खरीदेगा और सरकार तो इसीलिए एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना जरूरी हो जाता है क्या? वरना किसान वो भिक्षु मुद्रा में ही रहता है। देश का जवाब क्या है वो भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आज से हमने ये सिलसिला भी शुरू कर दिया है, कार्यक्रम के अंत में नहीं बीच में भी दिखाएंगे कि जनता क्या कह रही है। जैसे राजेश मलिक है, जालंधर वासी हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ किसानों को भारत रत्न, दूसरी तरफ किसानों पर अत्याचार। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी धर्मेंद्र? नहीं देखिए, आप तो राजनीतिक भी हो गए कि भाई पिछली बार किसान आंदोलन में राजनीति का पुट भी आ गया। नहीं देखिए, वो तो एसकेएम के भी दो फैक्शन हुए और डालेवाल जी एक ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। मैं ये कह रहा कि ये किसान की लड़ाई इस देश में जब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार का खजाना किसानों के खजाने का मुंह किसानों के लिए नहीं खुलेगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या सरकार नहीं, ये तो आंकड़ा है ये, और उसकी डिटेलिंग नहीं, कोई नहीं दे रहा। नहीं, मैं बता रहा जी, जो सरकार खरीदेगी सरकार उसको भी तो बेचेगी, ये बात क्यों नहीं कहा जाता? कोई खरीद के फ्री में देगी क्या? दूसरा एक बात आप सुनिए, सातवें वेतन आयोग की जब रिकमेंडेशन आई तो सरकार हर साल 4 करोड़ लोगों के ऊपर 4.5 लाख करोड़ और 1 लाख करोड़ केंद्रीय कर्मियों के ऊपर खर्च करती है। किसान की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। तो देश में जिसकी हिस्सेदारी 65% कृषि के लिए जितनी रकम आवंटित हुई बजट में पिछले 5 सालों में 1,05,519 करोड़ वापस कर दी इस्तेमाल नहीं हुई। देखिए
जब कृषि का बजट लाया जाता है, कृषि के बजट की भी मैं बात करूं तो 19 से लेकर आज तक घटता ही आ रहा है, लेकिन आज एमएसपी का सवाल है। अभी एक बात आई C2+50 की, जब चुनावी राज्यों में ये कहा जाता है कि ये मोदी जी की गारंटी है, आपको 2700 रुपये गेहूं और 3100 रुपये धान एश्योर्ड दिया जाएगा, हाँ। तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि किसानों को उचित मूल्य संदीप जी नहीं मिल रहा है, और यही एक कारण है कि उचित मूल्य ना मिलने के कारण राज्यों में किसान सड़कों पर है। केंद्रीय स्तर पर क्यों नहीं? नहीं, मैं एक सच और बताऊंगा, जब राज्यों के चुनाव में दिया जा सकता है तो लोकसभा का चुनाव है, हम भी देख रहे हैं कि पूरे देश को मिलना चाहिए, पूरे देश को मिलना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।